बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। थर्ड एडिशन It is easily available on the internet, and if you want this book, you can access me. You can write in the comment box, or you can text me. So, starting with what is a measurement? What is introduction to measurement? Measurement is a very keen thing that we are which is required to us day to day. हमारे जो usage है उसके अंदर measurement की बड़ी अहमियत है। और ये बहुत पुराना तरीके से जिस तरह पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था हमारे पास चीज़ों को मेजर करने का, फिर उसके पास हम लोगों के पास करेंसी आ गई। तो जिस तरह सिविलाइजेशन हमारी डेवलप होती गई, उस तरह हम लोगों के पास मेजरमेंट की टेक्निक्स भी आती गई, जिस जिस तरह हमारे पास जिद्दत आती गई हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर। खास तौर पर जिस टाइम हमारे पास एडिशन हुआ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का, तो जब हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक अपरेटसेस आ गए, तो फिर हमारे पास जो मेजरमेंट टेक्निक्स है वो भी वक्त के साथ साथ वैसे वैसे इम्प्रूव होती रही। सो द मेजरमेंट टेक्निक्स हैव बीन ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस एवर सिंस द स्टार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन व्हेन मेजरमेंट्स वर फर्स्ट नीडेड टू रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन बार्टर ट्रेड टू इंश्योर दैट एक्सचेंज वर फेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, और द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ब्रॉट अ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट टेक्निक्स टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्शन टेक्निक्स। तो जिस तरह 19th सेंचुरी के अंदर जब हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमारे पास जो हमारी मेजरमेंट की जो टेक्निक्स थी उनके अंदर भी एक रेवोल्यूशन आ गया। जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स आते गए, उनको मेजर करने के लिए भी नए नए हमारे पास तरीके आते गए। खास तौर पे जिस टाइम हमारे पास इलेक्ट्रिकल के अंदर जब हमारे पास तरक्की हुई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के अंदर, तो फिर हमारे पास मेजरमेंट टेक्निक्स के अंदर भी काफी ज्यादा एक्सपेंशन देखने में आई। द मैसिव ग्रोथ इन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग टास्क हैज स्पॉन्ड अ पैरेलल ग्रोथ इन द रिक्वायरमेंट फॉर इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर रिकॉर्ड एंड कंट्रोल एंड प्रोसेस वेरिएबल्स। किसी भी मेजरमेंट करने का जो जरूरत है, या मेजरमेंट करने की जो हमारे पास मेजरमेंट करने के बाद का जो प्रोसेस है, उसके अंदर सबसे पहले ये होता है कि हम डाटा मेजर करते हैं, फिर उस डाटा को अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं, उस जो रिकॉर्डेड डाटा होता है फिर उसके अंदर से हम उसको कंट्रोल करते हैं अपने सिस्टम को, ठीक है। हम उसके अंदर से एरर्स को मिनिमाइज करते हैं, हम उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस करते हैं, और उस सारे डाटे को हम यूज करते हैं अपने सिस्टम को रन करने के लिए। एज मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक्स डिक्टेट वर्किंग टू टाइटर एंड टाइटर एक्यूरेसी लिमिट्स एंड एज इकोनॉमिक फोर्सेस लिमिटिंग प्रोडक्शन कॉस्ट्स बिकम मोर स्वेयर, सो द रिक्वायरमेंट फॉर इंस्ट्रूमेंट्स टू बी बोथ एक्यूरेट एंड चीप बिकम्स वेरी हार्डर टू सेटिस्फाई। अब जिस तरह आजकल का जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्री 4.0 पे हम आ गए हैं, तो हम लोगों के पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक्यूरेसी की, और जो हमारे पास टॉलरेंस है, वो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा टाइट होती जा रही है, उसकी लिमिट कम से कम होती जा रही है हमारे पास। हमें कम पैसों के अंदर लेस एक्सपेंसिव और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स बना बना कर देने। द लेटर प्रॉब्लम इज एट द फोकल पॉइंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर्स। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ इंप्रूविंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी हैज बीन फाउंड इन मेनी केसेस to be the inclusion of digital computing power with an instrument themselves. These intelligent instruments therefore feature prominently in current instrument manufacturer catalogs. आजकल जो दौर है हमारा, जो आजकल का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, बेसिकली इसके अंदर हम लोगों को ज्यादा जरूरत जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव और लेस एक्सपेंसिव चीज देने की है। आजकल की मैन्युफैक्चरिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप यूजर की डिमांड के करीब से करीब तर हो, और आपके पास जो आपकी कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए। जब हम लोगों के पास
मेजरिंग करने के लिए सारी बात है, अब मुख्तलिफ चीजें आ गई, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई हमारे पास, फिजिकल चीजें आ गई हमारे पास, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे हमारे पास, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, फिर कंप्यूटर के भी आ गए। जब ये सारी चीजें आ गई तो डेफिनेटली फिर जरूरत पेश आई के यूनिट्स को भी डिफाइन किया जाए, जो हमारे पास मेजरमेंट के यूनिट्स हैं उनको भी हमने डिफाइन करना है। तो द वेरी फर्स्ट मेजरमेंट यूनिट्स वर दोज यूज्ड इन बार्टर ट्रेड टू क्वांटिफाई द अमाउंट्स बीइंग एक्सचेंज एंड टू एस्टैब्लिश क्लियर रूल्स अबाउट द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। तो सबसे पहले तो जो बार्टर सिस्टम होता था कि अगर मैंने 1 किलो चीज गंदम खरीदी है तो मैं उसके बदले 1 किलो उसको कोई चीज दे दूंगा, ठीक। तो पहले तो जब तक बार्टर सिस्टम था तो डिफरेंट कमोडिटीज को इस तरह हम इक्वलाइज करते थे। सच अर्ली सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट वर बेस्ड ऑन व्हाटएवर वाज अवेलेबल एज अ मेजरिंग यूनिट, ठीक है। फॉर पर्पस ऑफ मेजरिंग लेंथ द ह्यूमन टॉर्सो वाज कन्वेंशनल टूल एंड वाज गिवन एज अ यूनिट ऑफ द हैंड एंड द फुट एंड द क्यूबिट। जिस तरह नापने के लिए जो हाथ है इंसान का, उसका गिट जो है पूरा, जिसको हम एक गिट कहते हैं पूरी एक चौड़ाई को, वो इनिशियली यूज होता था। उसके बाद फिर फुट आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद एक क्यूबिट आ गया। Although generally adequate for barter systems, such measurements units are of course imprecise, varying as they do form from one person to the next. जारी बात है, जब इस तरह की चीजें हों तो हाथ का साइज क्योंकि डिफरेंट होता था हर किसी का, तो डेफिनेटली फिर इस यूनिट के अंदर भी आपको उसी तरह डिफिकल्टी आने लगी, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव आपके पास चेंज आने लग गए, फिर जब चेंजेस आपके पास आए तो आप लोगों ने बेसिकली इसको प्रोग्रेसिवली चेंज करते करते यूनिट्स को डिफाइन किया, जैसे जैसे नए इंस्ट्रूमेंट्स आए वैसे डिफाइन किए। तो टेबल 1.1 के अंदर हमें कुछ इक्विपमेंट्स गिवन है, सॉरी मेजरमेंट यूनिट्स गिवन है, तो हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, जिसको हम SI यूनिट कहते हैं, वो लेंथ है। लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर है, और इसकी डेफिनेशन है कि लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन एन इंटरवल ऑफ 1/2997924.58 सेकेंड्स। तो ये ऐसा यूनिट्स के अंदर जो हमारे पास डिफाइंड चीजें हैं ये सारी वो हैं। फिर उसके बाद आपके पास मैस आ गया, वो किलोग्राम का है, उसकी डेफिनेशन आपको पता है, द मैस ऑफ प्लैटिनियम आयरिडियम सिलेंडर कैप्ट इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वेयर्स पेरिस में जो रखा हुआ है हमारे पास, उसका जो मैस है उसको हमने एज ऐसा यूनिट कंसिडर किया है। फिर हमारे पास टाइम है, उसका यूनिट हमारे पास सेकेंड है, और इसी तरह हमारे पास टेम्परेचर है, उसका केल्विन है जो यूनिट है, और करंट का हमारे पास एम्पेयर है, 1 एम्पेयर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू टू इनफिनिटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम एंड प्रोड्यूसिंग अ फोर्स ऑफ 2×10⁻⁷ न्यूटन्स पर मीटर ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये हमारे पास बेसिकली एम्पेयर की डेफिनेशन है। फिर हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं, जिस तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, इसका यूनिट वैसा यूनिट हमारे पास वो कैंडेला है। वन कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन फ्रॉम अ सोर्स एमिटिंग मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 540 टेट्राहर्ट्ज। टेट्राहर्ट्ज का मतलब यह है कि 10⁻¹२ के अंदर आपके पास जो है विद अ रेडिएंट डेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1.4641 मेगा मिलीवाट पर स्टीरेडियन। और तो स्टीरेडियन आपको पता है कि सॉलिड एंगल ऑफ जो स्फीयर होता है हमारे पास, उसका हमारे पास ऐसा यूनिट है मेजर करने का। इसी तरह जो हमारे पास मैटर होता है, फिजिकल मैटर होता है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास मोल है, ठीक है, द नंबर ऑफ एटम इन 0.012 kg, मास ऑफ कार्बन 12 जो है हमारे पास उसका, ये मैटर की डेफिनेशन है, और इसके यूनिट हमारे पास बेसिकली मोल है। सो द अर्ली एस्टैब्लिशमेंट of standards for the measurement physical quantity proceeded in several countries at broadly parallel times and in consequence several sets of units emerged for measuring the same physical variables. अब जिस तरह हमारे पास फोर्स को मेजर करने के लिए न्यूटन भी है, पाउंड भी है, मास के लिए ग्राम्स भी है, केजी भी है, तो क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये हमारे पास मुख्तलिफ मुल्कों में पैरेलल चल रहा था, एट अ टाइम हमारे पास रेवोल्यूशनाइज हुई दुनिया जिस टाइम, तो मुख्तलिफ कंट्रीज ने मुख्तलिफ चीज़ों को अपने पास रखा। जिस तरह लेंथ के लिए यार्ड भी यूज़ किया जाता था, मीटर्स भी यूज़ किया जाता था। अपार्ट फ्रॉम द मेजर यूनिट्स ऑफ लेंथ, सब डोमेन्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स एग्जिस्ट सच एज फीट, इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स विद अ फिक्स्ड रिलेशनशिप बिटवीन ईच फंडामेंटल यूनिट्स एंड इट्स सब डोमेन्स। तो मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स आ गए, फिर यूनिट्स के बाद उनके सब यूनिट्स आ गए, उन यूनिट्स के दरमियान रिलेशन आ गए। तो ये सारी चीज़ों को फिर दोबारा कंबाइन करने की जरूरत पेश आई,
अब उनको कंबाइन करने के लिए बेसिकली एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एन इंटरनेशनली एग्रीड सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स एसआई यूनिट्स बेसिकली सिस्टम्स इंटरनेशनल यूनिट्स हमने डिफाइन किए एक डिफाइन किए गए तो ऐसा यूनिट्स बेसिकली हमें डिफाइन करने किए गए फिर उसके लिए हाउएवर इट कुड बी नोटेड दैट द इंपीरियल सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन पर्टिकुलरली इन अमेरिका एंड ब्रिटेन ऐसा यूनिट्स तो डिफाइन किए गए यूरोप में ज्यादातर हमारे पास ऐसा यूनिट्स होते थे और ब्रिटेन और अमेरिका में हमारे पास इंपीरियल यूनिट्स होते थे द यूरोपियन यूनियन हैज जस्ट डिफर्ड प्लान लेजिस्लेशन टू बैन द यूज ऑफ इंपीरियल यूनिट्स इन यूरोप इन नियर फ्यूचर तो पहले यूरोप के अंदर ऐसा यूनिट्स ही सिर्फ यूज होता था इंपीरियल यूज नहीं कर सकते थे पर अब उन्होंने 2010 के बाद से ये बैन उठाने का फैसला किया तो टेबल 1.2 के अंदर बेसिकली हमारे पास ऐसा यूनिट्स हैं मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज के और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बेस क्वांटिटीज के तो वो अब हम देखते हैं तो जिस तरह ये लेंथ का मेरे पास मीटर है मास का किलोग्राम है टाइम का सेकेंड है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है टेम्परेचर का केल्विन है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है मैटर का मोल है प्लेन एंगल का रेडियन है और सॉलिड एंगल का स्टीरेडियन है मेरे पास वो बेस क्वांटिटीज थी ये डिराइव्ड यूनिट्स है मेरे पास एरिया का स्क्वायर मीटर वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड एंगुलर एक्सेलरेशन का आपके पास है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर्ड डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूब मीटर है इसी तरह आपके पास जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम है मास फ्लो रेट आपके पास किलोग्राम पर सेकंड है वॉल्यूम फ्लो रेट क्यूबिक मीटर पर सेकंड है फोर्स आपके पास न्यूटन में है प्रेशर आपके पास न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में होता है टॉर्क आपके पास न्यूटन मीटर में होता है मोमेंटम आपके पास किलोग्राम पर सेकंड में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपके पास किलोग्राम पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर्ड होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो स्क्वायर मीटर पर सेकंड होती है डायनामिक विस्कोसिटी न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर होती है वर्क एंड हीट एनर्जी का आपके पास यूनिट जो सेम है वो जाउल है स्पेसिफिक एनर्जी का जाउल पर क्यूबिक मीटर है पावर का वाट है आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी का वाट पर मीटर केल्विन है इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम्ब है वोल्टेज ईएमएफ वाट डिफरेंशियल वोल्टेज का वोल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का आपके पास वोल्ट पर मीटर है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ओम है और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फैराड है आपके पास इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस का हेनरी है इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस का हमारे पास सिमन होता है रेजिस्टिविटी का ओम मीटर है परमिटिविटी का फैराड पर मीटर है परमेबिलिटी का हेनरी पर मीटर है और करंट डेंसिटी का आपके पास एम्पेयर पर स्क्वायर मीटर होता है आपके पास और मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का एम्पीयर पर मीटर है फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज है ल्यूमिनस फ्लक्स का आपके पास ल्यूमन यूनिट है इसी तरह ल्यूमिनस का है आपके पास कैंडेला पर स्क्वायर मीटर इल्यूमिनेशन का लक्स है आपके पास मोलर वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर पर मोल है मोलारिटी का मोल पर किलोग्राम है और मोलर एनर्जी आपके पास जाउल पर मोल में होती है तो ये हमारे पास बेसिकली जितने भी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं एसआई यूनिट्स हैं उनके मुख्तलिफ बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज का हमारे पास ये जो डिफाइंड एसआई यूनिट्स हैं वो हैं इनके सिंबल्स आपको दिए हुए हैं और डेरिवेशन के फार्मूलाज भी साथ आपको दिए हुए हैं तो होप्स हो कि आप लोगों को ये मेजरमेंट टेक्निक्स के बारे में इनिशियली कुछ आइडिया हो गया होगा तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर वेरी फ्री टू आस्क वाया व्हाट्सएप ग्रुप और you via email or in the description box. So thank you so much.